हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। आज हम लोग चैप्टर 10 करेंगे, व्हाट थिंग्स आर मेड ऑफ। ठीक है, चीज़ें किससे बने हुए हैं, इसका मतलब ये हुआ। चलिए, इसके पहले स्टार्ट करने से पहले हम बता दें कि हम लोगों ने चैप्टर 9 तक कंप्लीट कर चुके हैं, है ना। चैप्टर 9 हम लोगों ने कंप्लीट कर चुके हैं। देखिए, यूनिट 1 कंप्लीट हो चुका है, यूनिट 2 कंप्लीट हो चुका है, यूनिट 3 कंप्लीट, यूनिट 4 पे हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं, व्हाट थिंग्स आर मेड ऑफ। ठीक है, आज ये ख़त्म कर देंगे। छोटा चैप्टर है, मटेरियल्स के अंदर आता है ये। ठीक है, मटेरियल्स मतलब होता है पदार्थ, याद रखिए। मटेरियल्स मतलब होता है क्या है, पदार्थ। ठीक है, चलिए। लर्निंग ऑब्जेक्टिव, लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या क्या है इस चैप्टर को, हमें पढ़ने का मेन मेन एम क्या है मिलेगा इस चैप्टर को पढ़ने से पहले, हमको ये सब जानना होगा जो कि इस चैप्टर के अंदर दिया हुआ है। नेचुरल एंड मैनमेड थिंग्स, आज हम लोग इस चैप्टर को पढ़ने के बाद नेचुरल और मैनमेड थिंग्स के बारे में जानेंगे। प्राकृतिक और मानव निर्मित वस्तु, ठीक है, मानव निर्मित वस्तु के बारे में जानेंगे आज। व्हाट मैनमेड थिंग्स आर मेड ऑफ, मानव निर्मित वस्तु किससे बने हुए हैं। ओके, देखिए यहाँ पे क्या बता रहा है। राइट एल फॉर लिविंग थिंग्स एंड एन एल फॉर नॉन लिविंग थिंग्स। हमें एल लिखना है जो जीवित वस्तु है और एन एल लिखना है जो निर्जीव वस्तु है। ठीक है, चलिए ये क्या होगा बताइए, पता क्या है, लिविंग है कि नॉन लिविंग है। ये लिविंग है, ये क्या है, ये केटली है ना। ये क्या है, लिविंग है कि नॉन लिविंग है, ये नॉन लिविंग है। ये कोई टॉय है शायद, ये भी नॉन लिविंग है, इसके अंदर जान नहीं है ना। ये क्या है, ये लिविंग है, ये पपी है ना। ये स्पून नॉन लिविंग, ये लिविंग, इट इज़ कॉल्ड कैटरपिलर। ठीक है, इससे फिर तितली बनता है, याद रखिएगा, है ना। इसे तितली बनता है एज अ फॉरवर्ड स्टेज पे, ऐसे नहीं तुरंत बन गया। आप बोलेगा कि ये पेड़ पे अभी चढ़ रहा था, फिर तितली कैसे बनेगा। एक प्रोसेस होता है आपका 30 डेज या फिर कुछ ऐसा, 7 डेज अ वीक, 7 डेज का कुछ प्रोसेस होता है। ये ऐसे आपका कोई भी पत्ते पर या फिर पत्ते के टहनी पर ऐसे झूले हुए रहते हैं। ठीक है, उससे क्या होता है, उसके चारों ओर एक लेयर छाली मतलब होता है ना, उस टाइप से क्रिएट हो जाता है, कवर हो जाता है, और उसके बाद वो शेप चेंज कर लेता है। ये जो छाली होता है ना, जो शेप, जो जो जाली, वो ये बॉडी से ही बनता है उसका। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं अब। नेचुरल एंड मैनमेड थिंग्स, प्राकृतिक और मानव निर्मित वस्तुएं। वी सी सो मैनी थिंग्स अराउंड अस, हम लोग हमारे चारों ओर बहुत तरह की चीज़ देखते हैं, है ना, बहुत तरह के वस्तु देखते हैं, तरह तरह के थिंग्स सच एज ट्रीज, एनिमल्स, स्टोन्स, वाटर, एयर एंड सॉयल आर नॉट मेड बाय मैन। कुछ कुछ चीज़ें हैं या फिर वस्तुएं हैं जो कि इंसान से निर्मित, इंसान द्वारा निर्मित नहीं किया गया है, मतलब कि इंसान ने नहीं बनाया है, हम लोगों ने नहीं बनाया है। जैसे कि पेड़ हुआ, जानवर हुए, स्टोन्स हुए, पत्थर, फिर पानी हुआ, फिर हवा हुआ, वायु, फिर मिट्टी हुआ, ये सब चीज़ हम लोगों ने बनाया है क्या, नहीं बनाया ना, ये सब प्राकृतिक है। सिंस दे आर फाउंड नेचुरली, जैसे जैसे कि ये लोग ये सब नेचुरली पाए जाते हैं, दे आर नोन एज नेचुरल थिंग्स, ये सब को हम लोग प्राकृतिक वस्तुएं कहते हैं। नेचुरल थिंग्स कैन बी लिविंग सच एज प्लांट्स एंड एनिमल्स, और दे कैन बी नॉन लिविंग सच एज स्टोन्स, वाटर एंड एयर। नेचुरल थिंग्स जो होते हैं, प्राकृतिक वस्तुएं जो होते हैं, या तो वो जीवित वस्तु होते हैं, वो हो सकते हैं, या फिर निर्जीव वस्तु हो सकते हैं। जीव वस्तु में क्या बोल सकते हैं, जैसे कि प्लांट्स हुआ, पौधे हुए, फिर जानवर हुए, और दे कैन बी नॉन लिविंग, या तो फिर निर्जीव वस्तु हो सकते हैं, जैसे कि पत्थर हुआ, फिर पानी हुआ, फिर हवा हुआ, वायु। नेचुरल थिंग्स में देखिए, ये क्या है, एक इंसेक्ट है, ये क्या है, सन है, सनलाइट है ना, ये नेचुरल चीज़ है। अब देखिए ये कप है, ये क्या है, वॉलीबॉल है,
वॉलीबॉल ही है ना। हाँ वॉलीबॉल है। तो ये दोनों चीज मैन मेड है ना, ये नेचुरली तो नहीं पाया गया है, ये इंसान ने बनाया है। जैसे कि देव, अब देखिए, टेबल्स, चेयर्स, टॉयज, बकेट्स, बुक्स एंड क्लोथ्स आर मेड बाय मैन, देयरफॉर दे आर कॉल्ड मैन मेड थिंग्स। जैसे कि टेबल हुआ, चेयर हुआ, खिलौने हुए, फिर बाल्टी या फिर बुक्स हुआ, किताबें या फिर कपड़े जो हुए हैं, ये सारे मानव द्वारा निर्मित किए गए हैं, मतलब कि बनाया गया है, इंसान ने बनाया ना ये सब चीज़, देयरफॉर दे आर कॉल्ड मैन मेड थिंग्स। और इसके चलते इसे हम लोग मैन मेड थिंग्स कहते हैं, मतलब मानव निर्मित वस्तुएं। ये एकदम करेक्ट आपका हिंदी हुआ है ना, शुद्ध हिंदी। ठीक है, शुद्ध हिंदी एकदम, क्या शुद्ध हिंदी। अब देखिए, व्हाट मैन मेड थिंग्स आर मेड ऑफ। अब जानते हैं कि मानव निर्मित वस्तुएं क्या की, मतलब कौन सी चीज़ों से बने हुए हैं। जानते हैं, डिफरेंट मटेरियल्स आर यूज्ड टू मेक मैन मेड थिंग्स। मैन मेड थिंग्स बनाने के लिए अलग अलग मटेरियल्स का यूज़ किया जाता है, मतलब पदार्थ का यूज़ किया जाता है। सम मैन मेड थिंग्स आर मेड बाय हैंड एंड सम आर मेड बाय यूजिंग बिग मशीन्स इन फैक्ट्रीज। कुछ कुछ जो चीज़ें या फिर वस्तुएं होते हैं वो हाथ से बनाया जाता है, हाथ के द्वारा बनाया जाता है, हाथ का यूज़ करके, या फिर कुछ कुछ चीज़ें जो होते हैं वो बड़े मशीन के द्वारा फैक्ट्रीज में बनाया जाता है, कारखानों में। सम थिंग्स आर मेड ऑफ वुड, कुछ चीज़ें जो होते हैं वो लकड़ी के बने हुए होते हैं। जैसे ये चेयर हुआ, ये आपका पुराने ज़माने की, ये आपका एम्बेसडर हो तो एम्बेसडर टाइप से लग रहा है, जीप टाइप से, या जीप टाइप से लग रहा है। ये फिर स्पून टाइप से, स्पून नहीं, ये चमचा टाइप से लग रहा है। अब देखिए, सम थिंग्स आर मेड ऑफ रबर, कुछ कुछ चीज़ें जो होते हैं वो रबर से बने हुए होते हैं। जैसे कि इरेजर हुआ है ना, ये टायर हुआ आपका, कार का टायर, बाइक का टायर, जो टायर होता है वो कौन चीज़ से बना हुआ होता है, वो रबर से बना हुआ होता है। और ये फिर रबर है, ये रबर तो हम लोग बचपन के टाइम में बहुत मजाक करते थे, है ना। कैसे मजाक करते थे हम लोग, ये हम लोग उंगली में पहन लिए, चारों उंगली में ऐसे करके, फिर हाथ में पहन लिए, फिर टाइट हो जाता था, फिर 2 मिनट बाद दर्द करने लगता था, है ना। और सर देखते थे फिर डांटते थे, क्या करता है तुम लोग ये सब, ये पहनता है, हाँ बोलते हैं ना। चलिए, सम थिंग्स आर मेड ऑफ प्लास्टिक, कुछ चीज़ें प्लास्टिक के बने हुए होते हैं। जैसे ये बास्केट हुआ, फिर ये खिलौना हुआ, फिर ये क्या है, ये आपका पानी भरने टाइप से, या फिर कुछ भी हो, कंटेनर है ये, कुछ भी डाल सकते हैं इसमें, तेल हो या फिर कुछ भी हो, मतलब कि लिक्विड कुछ भी, है ना, प्लास्टिक के बने हुए होते हैं ना। नारियल तेल का डब्बा हुआ, फिर जो हम लोग जो तेल हम लोग खाते हैं वो तेल का डब्बा हुआ, जो भी हो। अब देखिए, सम थिंग्स आर मेड ऑफ मेटल्स, अब कुछ कुछ चीज़ें मेटल से बने हुए होते हैं, ठीक है। अब देखिए, ये क्या है, बकेट, ये क्या है, ये आपका मेटल बॉल हुआ बहुत बड़ा, और ये की है ना, चाबी। अब समरी जानते हैं, सारांश, पूरा चैप्टर पढ़ के हम लोग आज सारांश जानेंगे कि क्या क्या इस चैप्टर में था। देर आर मैनी थिंग्स अराउंड अस, हमारे चारों ओर बहुत सारी चीज़ें हैं। थिंग्स दैट आर फाउंड नेचुरली आर कॉल्ड नेचुरल थिंग्स, जो चीज़ें हमें नेचुरली प्राकृतिक रूप से हमें मिलते हैं उसे नेचुरल थिंग्स कहते हैं। थिंग्स दैट आर मेड बाई मैन आर कॉल्ड मैन मेड थिंग्स, और जो सब चीज़ें मानव, मतलब कि मानव या फिर इंसान ने बनाया है उसे हम लोग मानव निर्मित वस्तुएं कहते हैं। अब देखिए, ट्रीज, एनिमल्स, स्टोन्स, वाटर एंड सॉयल आर नेचुरल थिंग्स। पेड़ हुए, फिर जानवर हुए, पत्थर हुए, पानी हुए और मिट्टी हुए, ये सब सारी चीज़ नेचुरल हैं, है ना, प्राकृतिक वस्तुएं हैं। ट्रीज एंड एनिमल्स आर नेचुरल थिंग्स दैट आर लिविंग, मतलब कि पेड़ और जो जानवर हैं वो प्राकृतिक चीज़ें हैं, लेकिन ये सब जीवित वस्तुएं हैं। जैसे अब लेकिन स्टोन्स हुआ, फिर वाटर हुआ, फिर एयर हुआ, आर नेचुरल थिंग्स दैट आर नॉन लिविंग, ये सब जो है, मतलब कि स्टोन मतलब पत्थर, पानी और हवा, ये सब प्राकृतिक चीज़ें हैं लेकिन ये सब निर्जीव वस्तुएं हैं। अब देखिए, बुक्स,
टेबल्स चेयर्स बकेट्स क्लॉथ्स एंड टॉयज आर मैन मेड थिंग्स। ठीक है, जैसे किताब हुआ, टेबल हुआ, चेयर हुआ, बकेट्स हुआ, मतलब बाल्टी, क्लॉथ्स, कपड़े और खिलौने, ये सब सारे चीज़ मैन मेड थिंग्स हैं, है ना, मानव द्वारा निर्मित किया गया है। डिफरेंट मटेरियल्स आर यूज टू मेक मैन मेड थिंग्स, अलग अलग तरह के पदार्थ यूज़ किए जाते हैं मानव निर्मित वस्तुओं को बनाने के लिए, सच एज वुड, रबर, प्लास्टिक एंड मेटल। जैसे कि हम लोग लकड़ी यूज़ करते हैं, फिर रबर यूज़ करते हैं, प्लास्टिक यूज़ करते हैं, मेटल यूज़ करते हैं, है ना। ग्लोसरी, शब्दकोश, है ना। लिविंग थिंग्स, थिंग्स दैट हैव लाइफ इन देम, जो चीज़ों में या फिर जो वस्तुओं में उनके अंदर प्राण होता है या फिर जीवन होता है, उसे हम लोग लिविंग थिंग्स कहते हैं। मैन मेड थिंग्स, थिंग्स मेड बाई मैन यूजिंग डिफरेंट मटेरियल्स, जो से वस्तुएं मानव मतलब इंसान से बनाया गया हो, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल को यूज़ करके, उसे हम लोग मैन मेड थिंग्स कहेंगे। नेचुरल थिंग्स, थिंग्स दैट आर फाउंड इन नेचर, वो चीज़ें या फिर वो वस्तुएं जो हमें नेचर में मिलते हैं, प्रकृति में पाए जाते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स, थिंग्स दैट डू नॉट हैव लाइफ, जो वस्तुओं में जीवन नहीं होते हैं, उसे हम लोग नॉन लिविंग थिंग्स कहते हैं, उसे निर्जीव वस्तु कहते हैं। अब चलिए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 1, राइट, ट्रू और फॉल्स। नेचुरल थिंग्स कैन बी लिविंग और नॉन लिविंग, बताइए आप लोग क्या होगा। प्राकृतिक वस्तुएं या तो जीव वस्तु हो सकते हैं या फिर निर्जीव वस्तु हो सकते हैं, ये सही होगा, बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट, नेचुरल थिंग्स आर मेड इन फैक्ट्रीज, प्राकृतिक वस्तुओं को क्या हम लोग फैक्ट्रीज में बनाते हैं क्या? पत्थर को हम लोग फैक्ट्री में बनाते हैं, पानी को फैक्ट्री में बनाते हैं क्या? ये सब नहीं बनाते हैं ना, ये सब फॉल्स होगा। नेचुरल थिंग्स प्रकृति में पाया जाता है, है ना, नेचुरल थिंग्स आर फाउंड इन नेचर। द सन इज ए नेचुरल नॉन लिविंग थिंग, जो सूरज हुआ वो एक मतलब कि नॉन लिविंग थिंग, नेचुरल थिंग हुआ, मतलब कि आपका प्राकृतिक वस्तु हुए, लेकिन वो एक नॉन लिविंग थिंग हुआ, मतलब निर्जीव वस्तु है, या क्या ये बात सही है? सही है। नॉन लिविंग थिंग्स हैव लाइफ, निर्जीव वस्तु में प्राण होते हैं? नहीं, तो फॉल्स होगा। यहाँ पे क्या बता रहा है, हैव लाइफ, यहाँ पे हैव नॉट लाइफ बोलते हैं, तो फिर हम लोग ट्रू बोलते हैं, ये फॉल्स होगा। मैन मेड थिंग्स आर मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स, बताइए क्या होगा, ये डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल से बनता है ना मैन मेड थिंग्स, जैसे आपका टॉय हुआ, चेयर हुआ, बकेट हुआ, बुक्स हुआ, है ना, ये सारा चीज डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल से बनते हैं, तो ये ट्रू होगा। टू नेचुरल लिविंग थिंग्स बताइए, इसमें ट्री होगा एक, है ना, नेम द फॉलोइंग में, टू नेचुरल लिविंग बींग्स, लिविंग थिंग्स, ट्री हो गया एक, फिर दूसरा क्या होगा, हम लोग कर सकते हैं एनिमल कर सकते हैं, है ना, टू नेचुरल नॉन लिविंग थिंग्स क्या होगा, ये हो जाएगा आपका स्टोन, फिर एयर, विंड भी कर सकते हैं, स्टोन भी कर सकते हैं, कुछ भी, हम ऐसे दो को चॉइस किए, आपके चॉइस के हिसाब से आप कर सकते हैं। फिर देखिए, टू थिंग्स मेड ऑफ वुड, दो चीज़ें जो लकड़ी से बने हुए हो, जैसे चेयर हो गया एक और एक टेबल हो गया, है ना, सबके घर में आपका लकड़ी का चेयर और टेबल होता ही है। टू थिंग्स मेड ऑफ प्लास्टिक, दो चीज़ें जो प्लास्टिक से बने हुए हो, है ना, बताइए क्या क्या होगा। पहली बात तो टॉय होगा एक, है ना, प्लास्टिक का टॉय होता है ना, और दूसरा क्या हो सकता है, कंटेनर हो सकता है, जार जिसको बोलते हैं हम लोग, है ना, कुछ भी चीज़ रखते हैं। टू थिंग्स मेड ऑफ रबर, पहली बात टायर, नेक्स्ट इरेजर, है ना,
चूज द करेक्ट वर्ड्स टू फिल इन द ब्लैंक्स, बताइए इसमें क्या होगा। वाटर एंड एयर आर डैश थिंग्स, मैन मेड थिंग्स होगा क्या? पानी और हवा को हम लोगों ने बनाया है, नहीं बनाया ना, तो नेचुरल थिंग्स। अ नीम ट्री इज़ ए नेचुरल लिविंग थिंग या फिर नॉन लिविंग थिंग? नीम ट्री जो है वो नेचुरल है, प्राकृतिक तो है, हम लोगों को पता है, लेकिन वो लिविंग थिंग है कि नॉन लिविंग थिंग है? ये लिविंग थिंग है। प्लास्टिक एंड रबर आर मटेरियल्स यूज टू मेक, नेचुरल या फिर मैन मेड चीज़ बनाते हैं हम लोग। वाटर एंड एयर आर नेचुरल, सही है, सही है। अच्छा वाटर एंड क्या बता रहे हैं यहाँ पे? वाटर एंड रबर नहीं, वाटर एंड एयर आर नेचुरल लिविंग थिंग्स या फिर नॉन लिविंग थिंग्स होगा? ये नॉन लिविंग थिंग्स होगा, है ना, ये लिविंग होता है। वाटर और एयर में जान होता है कि नहीं जान होता है ना, तो नॉन लिविंग होगा। ई नंबर में क्या है? डैश थिंग्स आर मेड इन फैक्ट्रीज, नेचुरल थिंग्स आर मेड इन फैक्ट्रीज या मैन मेड है ना। अब देखिए मैच द फॉलोइंग करते हैं। कॉलम ए, कॉलम बी, प्लांट्स एंड एनिमल, क्या होगा ये? नेचुरल लिविंग है ना। फिर वाटर एंड एयर नेचुरल नॉन लिविंग, टायर्स एंड इरेजर ये रबर हो गया आपका, और चेयर्स एंड टेबल वुड हो गया ना। अब सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन और एमसीक्यू आप लोग खुद प्रैक्टिस कीजिए, ठीक, क्योंकि हमने चार कर दी हैं, पांच छः आप लोग खुद ट्राई कीजिए, ना हो तो फिर हम है ही, हम करवा देंगे आपका। जब ये पूरा चैप्टर सारा ख़त्म हो जाएगा तब आपको एक वीडियो सॉल्यूशन दे देंगे हर एक चैप्टर का, पर्टिकुलर डेडिकेटेड, ठीक है। फन जोन ने देखिए क्या बताया इस समय, कलेक्ट पिक्चर्स ऑफ नेचुरल थिंग्स बिगिनिंग विद ईच लेटर ऑफ द अल्फाबेट, पेस्ट देम अंडर लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, फॉर एग्जाम्पल ए इक्वल टू एपल ट्री इक्वल टू लिविंग थिंग्स, बी इक्वल टू बियर लिविंग थिंग, है ना, ऐसे करके करिएगा, कभी मज़ा आता है ये सब चीज़, आपको स्कूल में भी कराते होंगे ये सब, फन जोन है मस्ती के लिए, प्ले द, इससे आपको सीख भी मिलेगा, है ना, क्रिएटिविटी बढ़ेगा आपका इससे। प्ले द नेम गेम, फॉर एग्जाम्पल नेम्स ऑफ नेचुरल थिंग्स दैट आर नॉन लिविंग, नेम्स ऑफ नेचुरल थिंग्स दैट आर लिविंग, नेम्स ऑफ थिंग्स मेड ऑफ वुड, नेम्स ऑफ थिंग्स मेड ऑफ रबर एंड सो ऑन, नेम गेम बताना है, ठीक है। हम लोग को कोई भी चीज़ बताना होगा जो कि नेचुरल हो, है ना, और नॉन लिविंग हो। हम लोग को ऐसे बोलना होगा जो नेचुरल हो और लिविंग हो। फिर हम लोग को बताना होगा ऐसा चीज़ के बारे में ना, चीज़ का नाम बताना होगा जो कि वुड से बना हुआ हो। हम लोग को फिर ऐसे चीज़ का नाम बताना होगा जो रबर से बना हुआ हो, और आगे भी, है ना, ऐसे ऐसे हम लोग खेलना होगा। हम लोग अंताक्षरी खेलते हैं ना, बैठे बैठे क्या करेंगे, करना है कुछ काम, शुरू करें अंताक्षरी लेके प्रभु जी का नाम, तो वैसे करके ये भी एक गेम खेलने बोल रहे हैं, है ना। अंताक्षरी कौन कौन खेले हैं बताइए, खेले हैं ना, जीते कौन कौन है? दो लाइन गाना गाने के बाद कहे कि पूरा गाना तो आप लोग को आता नहीं है, सिर्फ आप लोग को बीट आता है और थोड़ा दो लाइन बस। चलिए चैप्टर नंबर 10 कंप्लीट हो गया, अब फिर हम लोग 11 चैप्टर करेंगे, 11 नंबर चैप्टर है ना, रॉक्स एंड मिनरल के बारे में पढ़ेंगे कल। तब तक के लिए ओके बाय, टाटा, बाय बाय, गुड नाइट।